Hello guys, welcome back to my channel. I am your best friend Jas, and in today's video I'll show you guys a very simple, quick and effective skincare method with coffee. So let's get started. तो सबसे पहले हम कॉफ़ी मास्क एंड कॉफ़ी जो स्क्रब है उसको प्रिपेयर कर लेंगे. तो कॉफ़ी स्क्रब को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर दो इन्ग्रीडियंट चाहिए. जो पहला इन्ग्रीडियंट है वो है एक से आधा टीस्पून हमें कॉफ़ी चाहिए, जो ग्राउंडेड कॉफ़ी वो चाहिए हमें. तो उसको हम बाउल में डाल लेंगे. और साथ ही साथ हमें चाहिए दो से तीन ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की. आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर कुछ और ऑयल यूज़ करना चाहें तो. और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसे साइड में रख देंगे. और अब हम प्रिपेयर करेंगे अपना कॉफ़ी फेस मास्क. कॉफ़ी फेस मास्क बनाने के लिए हमें ग्राउंडेड कॉफ़ी नहीं बल्कि इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए, जो कि इजीली मेल्ट हो जाएगी. आप स्क्रब के लिए इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो इंस्टेंटली मेल्ट हो जाती है तो वो स्क्रब का काम नहीं करेगी, एक्सफोलिएट नहीं करेगी आपकी स्किन को. तो जो स्क्रब के लिए है उसके लिए आपको ग्राउंडेड कॉफ़ी चाहिए, और जो फेस मास्क है उसके लिए आपको इंस्टेंट कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी. तो चलिए फेस मास्क भी बना लेते हैं. तो कॉफ़ी फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए इंस्टेंट कॉफ़ी. आप एक या आधा टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ले सकते हैं. और जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट जो जाएगा इसमें वो है मिल्क. मिल्क आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा. तो चलिए इन दोनों को मिला लेते हैं और हमारा कॉफ़ी मास्क जो है उसे हम रेडी कर लेते हैं. तो मिल्क और कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये इंस्टेंट कॉफ़ी ये धीरे धीरे जो आपके इस मिल्क में मेल्ट होती जाएगी तो ये पेस्ट और भी थिक होता जाएगा. तो इसको हम रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए और ये थिक हो जाएगा, और इसके बाद हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम अपने फेस को वॉश करेंगे. फेस पे कोई भी मेकअप या मॉइस्चराइजर नहीं लगा होना चाहिए. और स्क्रब यूज़ करते टाइम फेस हमेशा जो है गीला होना चाहिए, बिकॉज जो स्क्रब है वो ड्राई फेस पे जो हार्श हो सकता है और आपकी स्किन को शील सकता है. सो बी केयरफुल विद दैट. स्क्रब में ऑलिव ऑयल भी इसीलिए ऐड किया गया है बिकॉज कॉफ़ी जो स्क्रब है वो थोड़ा हार्श हो सकता है आपकी स्किन पे. तो ऑलिव ऑयल वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा, जिससे कि स्क्रब ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा स्किन पे. तो ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर देगा. इस तरह धीरे धीरे अपने फेस पे हम इसको लगाएंगे और फिर एक मिनट तक बहुत ही जेंटल मसाज देंगे. इस तरह सर्कुलर मोशन में हम इसे रब करेंगे स्किन पे. ध्यान रखें कि मसाज को बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली करना है, वरना स्किन छिल सकती है. कॉफ़ी स्क्रब लगाने से स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा, डेड स्किन सेल्स एंड ब्लैक हेड्स जिसको हम कील बोलते हैं वो स्किन से निकल जाएंगे. स्किन एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हमें बस एक मिनट ही करना है. स्क्रब लगाने के बाद अपने फेस को ल्यूक वॉर्म या फिर कोल्ड वाटर से वॉश कर लें, और उसके बाद एक टॉवल की हेल्प से अपने फेस को टैप ड्राई करें. अब हम अपने फेस पे लगाएंगे कॉफ़ी मास्क, जो कि हमने इंस्टेंट कॉफ़ी एंड मिल्क से बनाया है. इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे, ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक कॉफ़ी मास्क काफ़ी मैसी हो जाता है. इस तरह इसे हम अपने पूरे फेस पे लगाएंगे. स्क्रब लगाने के बाद स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है, इसलिए मास्क लगाने का पूरा बेनिफिट मिलेगा. कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. कॉफ़ी मास्क लगाने से आपके फेस की स्किन टाइट होगी, फेस पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगी, और अगर रिंकल्स ऑलरेडी हैं तो वो कम हो जाएंगी, बिकॉज कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. कॉफ़ी मास्क का पूरा बेनिफिट लेने के लिए इसे दो मिनट तक फेस पे रखेंगे, और फिर इसे ल्यूक वॉर्म या फिर कोल्ड वाटर से हम वॉश कर लेंगे.
चुके हैं और अब हम अपने फेस को वॉश करेंगे एंड नाउ सी द रिजल्ट्स। एंड नाउ अपने फेस को टैप ड्राई कर लेंगे और आपका इजी सा स्किन केयर प्रोसेस इज डन, वो भी बिना किसी केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज किए। तो कॉफ़ी फेस मास्क एंड स्क्रब जो लगाया है उसके बाद जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोई हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।